हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अब बहुत सारे भक्त, अब भक्तों की थोड़ी बात करती हूँ जो भक्त हैं ऑलरेडी। जैसे कि हम जो फेसबुक में डाल रहे हैं वीडियो, या इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, या यूट्यूब पे, उसमें अभी हम ऐसे वीडियोस डालने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़्यादातर नए लोगों के लिए है। पर जो ऑलरेडी डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, या तो फिर कैसे ज़्यादा उन्नति होगी ये जानना चाहते हैं भक्ति में। तो उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा हमें डालना है वीडियो। तो आज मैं एक श्लोक ले रही हूँ जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और सारे भक्तों के क्वेश्चन होते हैं ये करीब करीब, पर इसका उत्तर बहुत आसान है जो हमारे आचार्य रूप गोस्वामी ने दिया है। तो हमें जब भी प्रश्न होते हैं तो हमें उसके लिए रेफरेंस हमेशा आचार्यों से ही लेने चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। तो प्रश्न होते हैं भक्तों के कि हम क्या करें जो हमारी भक्ति बढ़े, हम कैसे भगवत धाम जाएंगे। ऐसे प्रश्न, ये कॉमन प्रश्न है, बिल्कुल कॉमन प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत जगह है। प्रहलाद महाराज की भक्ति, नवधा भक्ति भी इसका उत्तर है, या तो रूप गोस्वामी ने बताया है चैतन्य चरितामृत में, जो मैंने आपको पांच भगवान की कैसे भक्ति करनी चाहिए उसके पांच अंग बताए थे 2-4 दिन पहले, वो भी आंसर है, और ये भी एक आंसर है। इसमें श्लोक संख्या 3 है उपदेशामृत का। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात संग त्यागात सतो वृत्ते षडभिर भक्ति प्रसिद्धयति। 6 भक्ति को बढ़ाने के लिए 6 चीजें रूप गोस्वामी हमें रिकमेंड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि 6 चीजें करो जिससे आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। तो अगर आपका ये प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो बार बार ये प्रश्न करते हैं, तो प्रैक्टिकल लेवल पे हम इसको कैसे करेंगे वो सीखेंगे, हम देखेंगे, और रूप गोस्वामी ने जो समझाया है उसको भी उसके साथ को रिलेट करेंगे। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात संग त्यागात सतो वृत्ते षडभिर भक्ति प्रसिद्धयति। उत्साह होना चाहिए हमेशा भक्ति में, लेजीनेस नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। मंदिर जाने में आलस करना, यात्रा जाने में आलस करना, भगवान की सेवा करने में आलस करना, कुकिंग नहीं करेंगे आज कहीं से ले आओ खरीद करके होटल में खा लेंगे, आलस करना, तो ये जो आलस है ये नहीं होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए। कैसा उत्साह? साधारण रोज की जो क्रिया है हमारी भक्तिमयी, वो भी उत्साह पूर्वक। और जो त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, चैतन्य महाप्रभु का जो गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी है, नरसिंह चतुर्दशी है, राधाष्टमी है, सीता नवमी है, बहुत सारे त्योहार आते हैं, आचार्यों के प्रभुपाद के अपियरेंस डिसअपियरेंस रथ यात्रा, ये सबको बहुत उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे भगवान का रथ निकलता है तो सबको अवश्य जाके वहाँ दंडवत प्रणाम करना चाहिए, या तो फेस्टिवल में बहुत जोर शोर से हमें तैयारी करनी चाहिए कि जैसे कैसे हम फेस्टिवल को और अच्छा बनाएं। उत्साह होना चाहिए हमारे जीवन में, हर भक्तिमय कार्य के लिए उत्साह होना चाहिए। जैसे लोग भौतिक कार्य में उत्साह दिखाते हैं, अब किसी के घर में शादी हो रही हो मान लीजिए, तो जितना कम खर्चे में काम चल सकता है वो नहीं सोचते हैं, जितना ज्यादा हो सके, जितना अच्छा हो सके वो सोचते हैं। एक दिन के लिए ही लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, सजावट करते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए, जिस दिन विवाह है।
कितना उत्साह रहता है विवाह को मनाने के लिए। इसी तरह भक्ति में उत्साह होना चाहिए। निश्चय करना है, हमें ये चीज करना है तो हमें ये चीज करना है, कोई भी चीज का निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय से हमें माला करना है तो इतना बजे तक माला करना है, सुबह में उठ करके आरती करनी है, या माला हमको 10 बजे तक मेरा हो जाना चाहिए, या हमें रोज भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ना है, या हमें हर संडे को मंदिर जाना है, या हमें हर कार्तिक में यात्रा में जाना है। एक निश्चय होना चाहिए, निश्चय आवश्यक है, और धैर्य होना चाहिए। हमारे आचार्य बताते हैं जैसे कि कोई लड़की का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद वो बोले अपने पति को कि हमको तुरंत बेटा चाहिए, तो वो तो नहीं होगा, कम से कम उसको 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा मिनिमम। इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में भी हमें तुरंत कृष्ण प्रेम हो जाएगा, तुरंत हम गोस्वामियों की तरह एकदम महान भक्त बन जाएंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा, उत्तम अधिकारी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो शनह शनह कहते हैं ना, एक माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, चाहे माली एक दिन में 100 घड़ा पानी डाल दे तो 100 घड़ा पानी 100 दिन में पड़ना चाहिए, एक दिन में नहीं, हर दिन एक एक घड़ा पानी पड़ना चाहिए पेड़ में। और हम कहेंगे कि नहीं, हमको आज ही पेड़ में पेड़ बीज लगाया और आज ही बड़ा होकर के खड़ा हो जाए और फल उसमें लग जाए, तो ये मनुष्य के वश की बात नहीं, ये तो भगवान के वश की बात है। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, कीर्तन करते थे श्रीवास ठाकुर के आंगन में, और एक साल तक उन्होंने बहुत कीर्तन किया जोरदार, और उनके साथ साथ सारे उनका जो मंडली थी, उनकी पार्षद थे, वो सब करते थे। तो एक दिन भक्तों ने कहा हमें बहुत जोर से भूख लगी है, तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत एक आम का बीज बोया और तुरंत उसमें से एक पेड़ पैदा हो गया और पेड़ में 200 आम पके हुए तैयार हो गए तुरंत, और लोगों ने उसको खाया, और उन आमों में ना छिलके थे ना गुठली, और एकदम मीठे आम। तो ये मनुष्य नहीं कर सकते, ये भगवान कर सकते हैं। और रोज जितने दिनों तक कीर्तन चला उतने दिनों तक उस आम, उस पेड़ से आम निकलते थे और सब लोग खाते थे। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा है कि काल जो है वो काल हमारे हाथ की बात नहीं है, समय की बात है, तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा। यदि हम भक्तिमयी सेवा भी कर रहे हैं तो भी उसका परिणाम कुछ समय के बाद आएगा, ये हमको मानना पड़ेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको भक्ति का जो भाव है, रस है, वो तुरंत प्राप्त नहीं होगा, तो धैर्य रखना पड़ेगा। उत्साह निश्चय धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात। तो भक्ति के अनुकूल जो कार्य होते हैं, जो बताया गया है शास्त्रों में कि भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करने चाहिए, वो सारा कार्य हमें करना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स है ना, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना या पूजा करना, आरती करना, नाम जपना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भोग लगा के खाना, भगवान की मंदिर में जाके सेवा करना, जो भी है सब करना पड़ेगा। उसके बाद संग त्याग, जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है, जो हर समय गलत बातें करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत बोलते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। संग त्यागात, उनका संग नहीं करना है, क्योंकि आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो कार्य में आगे बढ़ना है उसके अनुकूल ही आपको दोस्त भी बनाना पड़ेगा। नहीं तो जैसे अग्नि में घी डालेंगे, अग्नि जलेगी, पानी डालेंगे बुझेगी, घी डालेंगे पानी डालेंगे दोनों चलता रहेगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यदि हमको भक्त बनना है और हम फिर दुष्टों का भी संग करते रहेंगे, भक्तों का भी संग करेंगे, दुष्टों का भी संग करेंगे, तो दुष्ट तो अपना प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर, इसीलिए संग छोड़ना है। वैष्णव अगर बनना है तो अवैष्णवों के साथ आपको ज्यादा मतलब नहीं रखना है। ऑफकोर्स ये तो है कि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे का मत संग करिए, भाई बहनों का संग मत करिए, जो आपके रिश्ते नाते हैं उनको निभाना है, लेकिन आपको ज्यादा संग करना है भक्तों का।
तो फिर भक्ति आगे बढ़े। अगर प्रश्न है कि भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी तो ये तो आवश्यक है। और सतो वृत्ते, जो हमारे आचार्य गण जिस रास्ते को बताए हैं हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जिस रास्ते पर चलना चाहिए, महाजनो ये न गतः सपन्था, जो महाजन गण हमारे चले हैं जिस रास्ते पर, जनक महाराज जी चले हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गण चले हैं, जो हमारे प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, ये सब जो भागवत 12 महाजन हैं और भागवत हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, बहुत सारे आचार्य हैं, तो उनके पद चिन्हों पर हमको चलना है। उन्होंने जो सिखाया है वो हमको करना है, उन्होंने जो बताया है वो हमको करना है। तो ये 6 चीजों को करने से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। उत्साह पूर्वक कार्य करना, निश्चय रखना कि ये करना ही है, धैर्य भी रखना, गलत लोगों का संग त्याग देना, और जो जो बताया है वो सारे कार्य, भक्तिमयी कार्य जो हमारे गुरु बता रहे हैं वो करना, और जो पूर्ववर्ती आचार्य करके गए हैं, बड़े बड़े आचार्य, उनकी जीवनी को पढ़ना, सुनना और उसके आधार पर चलना। तो जो सीनियर डिवोटीज हैं, जिनके दिमाग में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, उनको इसी तरह से करना पड़ेगा, तभी रूप गोस्वामी के ये वचन हैं तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपा करके आप पूछिए, यदि कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको चाहिए वीडियो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जिन भक्तों के पास मेरे नंबर हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं, या तो ऑडियो में मुझे भेज सकते हैं क्वेश्चन, और जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले, कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो पसंद है या आपके मन में प्रश्न है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी। हरी बोल।